हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियन रेलवे बाय परवीन में। आज हम आपको दिखाने वाले प्रतापगढ़ से जौनपुर तक डबलिंग का काम प्रारंभ हो चुका है। देखिए, इस समय प्रतापगढ़ जंक्शन से हम लोग डिपार्चर ले चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। देखिए, ट्रेन नंबर 14201 जौनपुर व इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो रायबरेली से चल के जौनपुर जाती है, इंटरसिटी एक्सप्रेस है। देखिए, अपनी गाड़ी प्रतापगढ़ जंक्शन से छूट चुका है। इस समय सीधे हम आपको दिखा रहे, डबलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है जौनपुर रूट तक। प्रतापगढ़ से जंघई तक डबलिंग हो रहा है, जंघई से जौनपुर की तरफ, क्योंकि जंघई जंक्शन पॉइंट है, एक तरफ जौनपुर की तरफ रूट चला जाता है और एक तरफ बनारस की तरफ, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। अपनी गाड़ी जंघई जंक्शन से टर्न लेता है जौनपुर के लिए। देखिए, डबलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है प्रतापगढ़ से जंघई के बीच में। आप लोग बताइए, प्रतापगढ़ से जंघई के बीच में हम डबलिंग का वीडियो बनाए कि ना बनाए, कमेंट में ज़रूर बताइए। अपनी गाड़ी प्रतापगढ़ से छूटने के बाद सीधे माँ बराही देवी, जिसका नाम दादूपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे स्टॉप है। देखिए, हम लोग माँ बराही देवी धाम पहुँच गए। यहाँ पे देखिए, डबलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। आप लोग ने प्रतापगढ़ से जंघई तक नहीं देखा है तो वो लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिए। देखिए, हम प्रतापगढ़ से लेकर पूरा गौरा तक बाइक से वीडियो बनाए, लिंक मिल जाएगा, ज़रूर आप लोग देखिएगा। देखिए, डबलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अपना गाड़ी दादूपुर से छूटने के बाद माँ बराही देवी के बाद सीधे बादशाहपुर स्टेशन पे स्टॉप है। देखिए, डबलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हम लोग गौरा रेलवे स्टेशन को भी स्किप कर रहे हैं। देखिए आप लोग, देखिए गौरा रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं अच्छी खासी स्पीड में। अब सीधे हम लोग बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर आपको मिलते हैं। देखिए, काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है डबलिंग का इस समय। अब आपको हम बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। देखिए, हम लोग बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। अपना तीसरा स्टॉप प्रतापगढ़ के बाद बादशाहपुर है। प्रतापगढ़ के बाद माँ बराही देवी धाम, बादशाहपुर, फिर जंघई, बरसेठी होते हुए सीधे अपना मड़ियाहूँ, जफराबाद, जौनपुर पहुँच जाती है गाड़ी। हम आपको पूरा जौनपुर तक वीडियो दिखाने वाले हैं। हम जंघई के बाद आपको कोई भी स्किप नहीं करेंगे, पूरा आपको वीडियो दिखाएंगे जौनपुर तक। आप लोग वीडियो पे बने रहें। अपने गाड़ी का जहां जहां स्टॉप है वहां वहां का अभी तक दिखा दे रहे हैं। अब इसके बाद छोटे बड़े स्टेशन सभी को हम वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। मड़ियाहूँ के बाद डबलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी अच्छे से हो रहा है। देखिए, अच्छी खासी स्पीड में अपनी गाड़ी इस समय निकल रही है। देखिए आप लोग ने काफ़ी कमेंट किया, भैया एक बार प्रतापगढ़ से जौनपुर तक वीडियो बनाइए। आज उस वीडियो को हम बना रहे हैं। आप लोग बताइए, जंघई से हम प्रयागराज डबलिंग का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताइए। जो सामने आप रूट देख रहे हैं, प्रयागराज की तरफ चला जाता है जंघई जंक्शन से, क्योंकि जंघई जंक्शन से प्रयागराज भी डबलिंग का काम हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। देखिए, सामने भी डबलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है इस समय। हम लोग जंघई जंक्शन पहुंच गए हैं। टोटल यहां पे 5 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जंघई जंक्शन पर। देखिए, जंघई जंक्शन पहले से काफ़ी बदल गया है। आप लोग ने जंघई जंक्शन नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिए। पहले से काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट रैंक का जंक्शन हम बोलेंगे इसे। देखिए, काफ़ी अच्छा, काफ़ी टाइल्स लगाए जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से काम इस समय चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से इस समय काम चल रहा है। देखिए, टाइल्स तो पूरे लग चुके हैं और 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म अभी चालू नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ देखिए सामने आपको स्लीपर दिख रहा है, 60 kg के स्लीपर, सॉरी। देखिए, इस समय काम काफ़ी तेज़ी से जंघई जंक्शन पर चल रहा है। आप लोग ने जंघई जंक्शन नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, एक बार ज़रूर जंघई जंक्शन आप लोग देखिए। इस समय हम लोग जंघई जंक्शन से डिपार्चर ले लिए हैं जौनपुर के लिए। देखिए, धीरे धीरे अपनी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड पकड़ रही है। देखिए, जंघई जंक्शन इसलिए जंक्शन कहा जाता है, एक रूट यहां से बनारस के लिए, एक जौनपुर के लिए, एक प्रतापगढ़, एक प्रयागराज के लिए हो गया है, इसीलिए जौनपुर जंक्शन कहा जाता है। यदि आप सामने लाइन देख रही है, बनारस की तरफ चली जाता है, क्योंकि जंघई से बनारस डबलिंग है और जंघई से प्रतापगढ़ डबलिंग किया जा रहा है, और प्रतापगढ़ से लखनऊ तक पूरा डबलिंग है, ये तो आपको पता ही होगा। आप बताइए, प्रतापगढ़ से हम लखनऊ तक एक बार डबलिंग का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, कमेंट में ज़रूर बताइए।
देखिए पूरा डबलिंग हो चुका है। देखिए आप लोग, अब आपको हम दिखाते हैं जौनपुर की तरफ। अपनी गाड़ी धीरे धीरे टर्न ले चुका है। हम लोग बनारस की लाइन को अब छोड़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ कैमरे में। देखिए उधर भी डबलिंग का काम प्रारंभ हो चुका है। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो अब यहाँ से आपको होने वाला है, आप लोग वीडियो पे बने रहे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए धीरे धीरे अपनी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड पकड़ रहा है। देखिए डबलिंग का काम प्रारंभ है, जल्दी बन के तैयार हो जाएगा पूरा डबल लाइन प्रतापगढ़ से जौनपुर तक। अब प्रतापगढ़ में स्पेशल गाड़ी चला उठा है मेमो ट्रेन, प्रयागराज संगम से अयोध्या तक। आप लोग ने नहीं देखा है, लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। आप लोग ने पृथ्वीगंज और माँ बराही देवी दादूपुर रेलवे स्टेशन नहीं देखा तो वो भी एक बार आप लोग ज़रूर देखिए। धीरे धीरे अपनी गाड़ी स्पीड इसमें पकड़ रहा है। देखिए आप लोग, आप लोग कहेंगे भैया वीडियो को फास्ट किए हैं, वीडियो को फास्ट नहीं किए हैं, इसलिए काफ़ी लंबा वीडियो और कहीं भी स्किप नहीं किए हैं, हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए हरियाली का आनंद लेते हुए इधर साइड पूरा डबलिंग रहेगा, जो आप देख रहे अच्छी खासी स्पीड अपनी गाड़ी समय पकड़ लिया है। देखिए आप लोग, इस रूट पे अभी कोई भी विकास ज़्यादा नहीं हुआ है, आने वाले समय में डबलिंग होने के बाद काफ़ी विकास होगा। इधर डबलिंग रहेगा जो आप देख रहे हैं सामने। देखिए काफ़ी अच्छा, जरौना स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं, जरौना ही है शायद। देखिए हाँ, जरौना को स्किप कर रहे हैं अच्छी खासी रफ्तार में। देखिए यहाँ का प्लेटफॉर्म है जो आप देख रहे हैं जौनपुर रूट का, छोटे बहुत प्लेटफॉर्म है, पहले के जमाने के सब यहाँ पे मैंने देखा। देखिए हम आपको जिधर दिखा रहे धरी साइड पूरा डबलिंग रहेगा। देखिए कुछ लोग पूछते हैं भैया इस रूट पर डीजल लोकोमोटिव क्यों चलता है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे डीजल लोकोमोटिव क्यों चलता है। इधर इलेक्ट्रिक भी चलता है, जैसे कि हो गए गोदान एक्सप्रेस, कुछ गाड़ियाँ जैसे मेमो भी हो गए, तो इस रूट पे सभी चलते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। देखिए नज़ारे आप लोग एंजॉय करते रहिए, इस समय कोहरा काफ़ी अधिक है, आपको जूम करके दिखा रहे हैं, इतना तो नहीं है। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं प्लीज़ एक बार हमें कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। देखिए अच्छी खासी स्किप कर रहे हैं हम लोग ट्रेन, अच्छी खासी हम देखे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। अपनी गाड़ी के सीधे स्टॉप बरसेठी है, पाँचवा स्टॉप बरसेठी, क्योंकि पहला स्टॉप माँ बराही माँ बेल्हा देवी, दूसरा माँ बराही देवी, तीसरा बादशाहपुर, चौथा जगही, पांचवा बरसेठी है। देखिए कटवारा बाजार एक हम लोग स्किप करते हुए चल रहे हैं, शायद वही है यहाँ की स्टेशन है। देखिए आप लोग यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, ये सब यहाँ के स्टेशन है जो आप देख रहे हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द आप लोग 5K ज़रूर करिए, तब हम ट्रेन वीडियो जर्नी भी चालू करें। आप लोग बताइए एक बार प्रतापगढ़ से हम सुल्तानपुर डबलिंग का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए सरसों देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस समय। इस साइड पूरा डबलिंग रहेगा जो आप देख रहे हैं। जौनपुर स्टेशन पर देखा जाए प्लेटफॉर्म बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्टॉप है अपनी गाड़ी का बरसेठी में, पांचों स्टॉप, काफ़ी लोग यहाँ पे उतरते भी हैं चढ़ते भी हैं। देखिए इस रास्ते में चैन पुलिंग बहुत होता है आते समय, ये चीज़ हमने देखा वीडियो में, तो हम बाद में एडिट कर रहे हैं, आपको बता दें इस रूट पर चैन पुलिंग बहुत अधिक है। मड़ियाहों के बाद जंगही तक बहुत चैन पुलिंग करते हैं। देखिए यहाँ के स्टेशन है जो आप देख रहे हैं बरसेठी रेलवे स्टेशन, हम लोग डिपार्चर ले चुके हैं। देखिए धीरे धीरे अपनी गाड़ी स्पीड पकड़ रहा है इस समय। देखिए जो रास्ते में अंडरपास टनल भी काफ़ी मिलते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं। जो आप देख रहे इधर पूरा डबलिंग ही रहेगा आने वाले समय में, अभी आपको दिखाते हैं डबलिंग का काम भी अच्छा खासा चल रहा है। देखिए सामने अंडरपास रह गए, यहाँ पे डबलिंग के लिए जगह छुटा है। देखिए आप लोग सामने, अभी आपको दिखाते हैं मड़ियाहों के पास से डबलिंग का काम प्रारंभ भी हो चुका है।
देखिए एक स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं, आपको दिखा रहे ये एक स्टेशन, यहाँ का नाम नहीं बता पा रहे। देखिए स्टेशन है जो आप देख रहे हैं अपना, ये बरसेठी के बाद सीधे मड़ियाहू स्टेशन है, छाटवा स्टॉप। देखिए मड़ियाहू के बाद सीधे जफराबाद, जफराबाद के बाद जौनपुर। देखिए अपनी गाड़ी स्पीड बहुत अच्छी खासी स्पीड में निकल रहा है इस समय, आपको दिखा रहे। तो आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर एक बार बताइएगा। देखिए इसमें नदी भी आपको दे, सॉरी नदी तो है बहुत छोटा है, इतना बड़ा नदी तो नहीं बोलेंगे इसे। देखिए एक स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। देखिए यहाँ की स्टेशन है जो आप देख रहे हैं, वीर गंगा गांव लिखा था क्या, शायद यहाँ की स्टेशन है। देखिए बहुत छोटे छोटे स्टेशन है, आप यहाँ की स्टेशन बता नहीं सकते, ये एक स्टेशन है जगह से जौनपुर के बीच में। डबलिंग का काम होने के बाद तब पता चलेगा हाँ भाई एक स्टेशन है यहाँ पर भी, जैसे जरौना हो गए, कुछ गाँव ऐसे स्टेशन हो गए कि लगता नहीं कि स्टेशन है। आने वाले समय में ये भी एक स्टेशन हो जाएगा अच्छे खासे। देखिए वर्कर्स लगे हैं यहाँ पे, देखिए काम चल रहा है, देखिए डबलिंग का काम भी आपको दिखाते हैं। मड़ियाहू स्टेशन के बाद डबलिंग का काम धीरे धीरे हो रहा है, हमने ये देखा मड़ियाहू में। देखिए यहाँ पे डबलिंग का काम प्रारंभ है, देखिए सामने आपको दिखने चाहिए कैमरे में। कुछ लोग कहते हैं भैया आप वीडियो को स्किप ना करिए, हम वीडियो कभी स्किप तो नहीं करते, पूरा आपको दिखाते चाहे वीडियो लंबा क्यों ना बन जाए। इस रोड पे अभी टोकन का भी सिस्टम चल रहा है, आपको बता दें जौनपुर से नहीं सॉरी मड़ियाहू से जफराबाद के बीच तक टोकन का सिस्टम इस समय चलता है, हमने ये भी देखा। इसका स्टेशन कोड MAYMI मड़ियाहू स्टेशन का कोड। यहाँ पे सभी गाड़ियाँ रुकती हैं मड़ियाहू स्टेशन पर, इसे एक जंक्शन पॉइंट तो नहीं कहेंगे बट स्टेशन बड़ा है। यहाँ पर टोटल दो ट्रैक है, अभी दिखाते हैं। जो गाड़ी जंघई से मड़ियाहू जब तक नहीं आ जाता तब तक दूसरी गाड़ी को नहीं छोड़ा जाता। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग डिपोर्ट करते हैं, उतरते चढ़ते हैं। देखिए देखिए आपको दिखा मड़ियाहू के बाद अपना स्टॉप जफराबाद रेलवे स्टेशन है, जफराबाद के बाद जौनपुर, ट्रेन नंबर 14201। देखिए सिग्नल यहाँ पर नए लगाए जा रहे हैं, आपको जूम करके दिखा रहे हैं, और आगे काम भी हो रहा है डबलिंग का। देखिए ढोल कितना ठीक उड़ रहा है इस समय, देखिए डबलिंग का काम इधर हो रहा है। देखिए आप लोग ट्रैक के पास मिट्टी लगाई जा रही है, पूरा डबलिंग का काम धीरे धीरे प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम 80 की स्पीड में अपनी गाड़ी चलेगी इस समय। अब आगे एक पुल आ रहे से बोलते साई पुल, साई नदी है ये, आपको दिखाते हैं अभी। आप लोग गांव के थोड़े एंजॉय करते चलिए, आप लोग कहां से वीडियो देखते कमेंट में बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत अच्छी बातें बताते हैं, हम बुरा नहीं मानते बट बहुत अच्छा लगता है आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहें, और जल्द से जल्द आप लोग 5K ज़रूर करिए। देखिए 360 एंगल में आपको दिखाना, अच्छी खासी स्पीड पकड़ रही है। एक स्टेशन आने वाला भी हम लोग स्किप करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ की स्टेशन है जो आप देख रहे हैं, देखिए सामने यहाँ के छोटे स्टेशन है, सिर्फ एक मड़ियाहू स्टेशन है, एक जफराबाद रेलवे स्टेशन स्टेशन है। जफराबाद तो एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि बनारस के लिए रूट और अयोध्या के रूट अलग हो जाता है, जौनपुर के लिए और प्रतापगढ़ जगह के लिए। देखिए हम लोग साई नदी पहुंच गए, बहुत पुराना पुल है, बहुत पुराना पुल है जो आप देख रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर से, यहाँ पर मैक्सिमम 30 की स्पीड दिया गया है। देखिए आपको नीचे की तरफ दिखाते हैं, बहुत पुराना है इसीलिए यहाँ पे गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाया जा रहा है। देखिए साई नदी है, आप लोग को वीडियो का काफ़ी इंतज़ार रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आप लोग 5K ज़रूर करिए। आप जैसे वापसी में गोदान और
ऐसी ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से आते हैं LTT जाने वाले, उस पर चैन प्लुग नहीं होता, बट इस गाड़ी पे चैन प्लुग बहुत अधिक है। देखिए ये एक स्टेशन है, हम लोग स्किप कर रहे हैं। यहाँ के लोग हमने देखते हैं कि ट्रैक के पास आकर पार करते रहते, सामने ट्रेन जाते हुए तब भी ऐसे ही हादसा होता है। इस रूट पर लापरवाही बहुत है सभी को मैं देखता हूँ, क्योंकि कोई ट्रैक पार कर रहा है सामने ट्रेन चलते हुए और लोग चैन पुलिंग कर रही है, सब गलत है ऐसा करना, बट हम क्या बोलें। अब देखिए ये ओवर ब्रिज कहाँ गया, ये नेशनल हाईवे आप लोग ज़रूर बताइएगा, NH हाईवे लग रहा है, किस तरफ गया और कहाँ गया ज़रूर एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा। हम लोग जफराबाद रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। देखिए ये सामने जो रूट देख रहे हैं आप, बनारस की तरफ चला जाता है। ये कौन सी गाड़ी अभी आपको बताते हैं पढ़ के, 19167 है, साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से चल के वाराणसी को जाने वाली। ये जो रूट पे आप गाड़ी देख रहे हैं शाहगंज की तरफ हो जाता है, ये बनारस की तरफ जाता है, और आपको दूसरी रूट पे दिखाते हैं शाहगंज की तरफ चला जाता है, शाहगंज अयोध्या की तरफ अभी आपको दिखाते हैं, जफराबाद जंक्शन के बाद अभी आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी बनारस की तरफ जा रहा है, ये अहमदाबाद से अयोध्या होते हुए जफराबाद होते हुए ये चले जाते हैं वाराणसी की तरफ। जफराबाद एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि जगही की तरफ और वाराणसी की तरफ और अयोध्या कैंट की तरफ और जौनपुर की तरफ यहाँ पे गाड़ी अलग होती है, इसीलिए एक जंक्शन पॉइंट है जफराबाद। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जिसके स्टेशन को ZBD है। देखिए आपको दिखा रहे ZBD है जफराबाद स्टेशन कोड। ये शाहगंज और अयोध्या की तरफ ये रूट चला जाता है, सीधे रूट जौनपुर की तरफ जो जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ये जो ट्रेन ये टर्न लेती हुई लाइन आपको दिख रहा है, शाहगंज मालीपुर अकबरपुर होते हुए अयोध्या की तरफ चला जाता है। इसी रूट पे इंटरलॉकिंग का काम हो रहा था, तभी कुछ गाड़ियाँ डाइवर्ट किए गए थे, प्रतापगढ़ होते हुए जा रहे थे, जैसे दून एक्सप्रेस। देखिए सामने एक रूट नहीं बनाई जा रही है, देखिए आप लोग को जूम करके दिखा रहे हैं। अभी ये नया ट्रैक बनाया गया है, अभी ये नया ट्रैक चालू नहीं किया गया है, अभी ट्रैक पे काम चल रहा है। देखिए उस साइड डबलिंग का, देखिए दूसरे तरफ डबलिंग का काम चल रहा है, आगे गाड़ी नहीं जा सकता कोई भी, क्योंकि यहाँ पे पुल का निर्माण किया जा रहा है। देखिए बस इंड हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। सामने एक ओवर नदी आने वाला है, शायद बताते गोमती नदी है। देखिए आप लोग अच्छी खासी स्पीड में निकल रहा है गोमती नदी से अपनी गाड़ी, आपको 360 एंगल में दिखा रहे, एंजॉय करिए नज़ारों को। काफ़ी बड़ी गोमती नदी है, देखिए पेड़ पौधे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं इस समय देखने में। डबलिंग का काम देखा जाए जंघई से जौनपुर के बीच में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए यहाँ पे डबलिंग का काम हो रहा है, जो भी आप सामने नए ट्रैक देखे बने हुए, डबलिंग का काम हो जाएगा, बहुत आराम हो जाएगा डबलिंग के होने से। शाहगंज में इंटरलॉकिंग का काम हो रहा था, इसीलिए कुछ गाड़ियाँ प्रतापगढ़ होते हुए सीधे लखनऊ में मिलाते थे। देखिए ऊपर से अपनी गाड़ी जाते हुए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। हम लोग पहुँचने वाले हैं जौनपुर जंक्शन, देखिए कुछ ही देर में जौनपुर जंक्शन हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। देखिए हम लोग जौनपुर जंक्शन पहुँच गए हैं, टोटल यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जौनपुर जंक्शन में। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं जौनपुर जंक्शन इस समय देखने में। देखिए आप लोग अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लिया जाएगा। टोटल 5 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दोहरीकरण का काम प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, देखिए नए पूरे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, जो पहले के थे टूटे उसको हटा कर प्लास्टर नए किए गए हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है जौनपुर जंक्शन पर इस समय हमने देखा। वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जल्द से जल्द आप लोग 5K ज़रूर करिए। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें वीडियो कैसा लगा, इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। आप लोग बताइए एक बार हम जंघई से प्रयागराज डबलिंग का वीडियो बनाएं कि ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
जल्द से जल्द हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।